क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की। बेसिकली आज हमारा वेबिनार है रेकी। आप सभी लोग, अधिकतर लोगों को पता ही है कि रेकी क्या होती है और किस प्रकार वो हम लोगों की हेल्प करती है, या किस प्रकार आजकल हम लोग उससे अपनी हेल्थ का, अपनी हेल्थ पर काम करते हैं, अपनी बीमारियों पे काम करते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो रेकी क्या है? रेकी एक जापान से आया हुआ शब्द है। बेसिकली ये जो मोडालिटी है ये हमारे इंडिया की थी, लेकिन इंडिया पे इसके ऊपर काम ना होने के कारण बाद में डॉक्टर मिकाओ ओशी ने इसका पूर्ण रूप से आविष्कार करा। और डॉक्टर मिकाओ ओशी जापान से थे, इसलिए इसको वापस ही जापान का नाम दिया गया कि ये मोडालिटी आपके पास जापान से है। रे की, रे प्लस की, दो शब्दों से बनी है। रे मतलब यूनिवर्सल एंड की मतलब कि आपका लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि यूनिवर्सल ब्रह्माणिक पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के नाम से ये जाना जाता है, ये ब्रह्माणिक ऊर्जा जिससे कि हम हर प्रकार के इलाजों को कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एक सफेद ऊर्जा को आप अपने तरफ देखें और जिस भी हिस्से में आपको दर्द है, तकलीफ है, उस हिस्से में आप उस ऊर्जा को लेकर आए। तो जब आप उस ऊर्जा को वहां पर लेके आएंगे, उसका एक तरीका है जो कि हम जब क्लास करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से उस चीज को सिखाएंगे कि किस तरीके से उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको किस तरीके से उसको यूज करना है। तो उस ऊर्जा से आपको वहां पर वो दर्द में रिलीफ मिला। उसके अलावा यहाँ पे हम बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स की अपनी एक पावर होती है, हर सिंबल की 4.5 लाख मंत्रों की पावर होती है। हर सिंबल को सिद्ध किया जाता है, हर एक एक सिंबल को। जब डॉक्टर मिकाओ उसी एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, जब वो अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो उनके एक स्टूडेंट ने उनको पूछा कि जैसे पहले जमाने में आपने देखा होगा कि लोग ऐसे भगवानों की फोटोज के आगे आप देखते हैं कि वो ऐसे आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो यहाँ से एक सफेद रंग की ऊर्जा आ रही होती है ना। तो किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये सफेद रंग की ऊर्जा क्या है, क्या ऐसा सच में होता है? तो वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी रिसर्च करी कि ऐसा होता है, मतलब सच में ऐसा होता है जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आशीर्वाद देते हैं और वो काम हो जाता है। तो उन्होंने इस चीज के बारे में काफी रिसर्च करी। इस चीज को रिसर्च करने के लिए वो बहुत सारी जगह जगह कंट्रीज के अंदर गए, लेकिन उनको इसका कहीं भी आंसर नहीं मिला। लेकिन उनको जब वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गए, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने हर कंट्री में जाकर वहां की भाषा को सीखा, वहां की भाषा को सीखकर वहां पे जाकर उनके मठों में जाकर रहे, अलग अलग मठों में जाकर उन्होंने रहे, बहुत सारी और विद्याओं को भी उन्होंने सीखा, लेकिन उनको ये आंसर कहीं नहीं मिला कि ऐसा क्या सच में होता है। पर जब सब जगह उन्होंने घूमा तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो विद्या है ये भारत से आई। फिर वो भारत आ गए इस विद्या को और ज्यादा जानने के लिए। जब वो भारत में आए, भारत में आके भी बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, मठों में रहे, भारत की भाषा सीखी, संस्कृत भाषा के ऊपर अध्ययन किया, क्योंकि हमारे जितने भी मंत्र वगैरह जो भी हैं सब संस्कृत में हैं। उन्होंने संस्कृत सीखा, बहुत उसके ऊपर काम किया, लेकिन उनको तब भी ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन उनको इतना समझ आ गया कि ये कहीं गौतम बुद्धा जी से रिलेटेड है, ये बौद्ध उससे आई। फिर ये वो वहां पर गए, जब वो बिल्कुल थक हार गए, जब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया कि कैसे होगा ये, तो वो एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गए। 21 दिन का उन्होंने संकल्प लिया कि वो बिना कुछ खाए पिए 21 दिन संकल्प करेंगे, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा था इसका आंसर, उनको इसका आंसर मिले इसके लिए उन्होंने 21 डेज का संकल्प डाला। जब उन्होंने 21 दिन का संकल्प लिया, तो जब उनके दिन बीतते जा रहे थे और उनको इसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो अंदर से परेशान हो गए। उनको लगा 21वें दिन में उनको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी अंदर से वीक हो गई थी। उन्होंने भूखा प्यासा रहकर 21 दिन का संकल्प लिया, ना उन्होंने 21 दिन से कुछ खाया था ना पिया था, जिसके कारण वो इतने कमजोर हो गए थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और उनको लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है, अब वो नहीं बचेंगे। ऐसी सिचुएशन पर जब उन्होंने बिल्कुल वो मरने की हालत में हो गए, बेहोशी की हालत में आए, तो एक सफेद रंग की ऊर्जा आसमान से उनकी तरफ आई और उस ऊर्जा ने उनको ऐसे पुश किया
और वो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। उनको कुछ पता नहीं चला। उसके थोड़े घंटों बताओ। के बाद जब उनकी आंखें खुली, तो वो घबरा गए। उनको एकदम से वो उठे, उन्होंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। जब वो उठे तो जितने वो अंदर से वीकनेस उनको फील हो रहा था, जितने उनको कमजोरी महसूस हो रही थी, तो वो एकदम से फ्रेश और एनर्जेटिक उन्होंने अपने आप को महसूस किया। और जैसे ही वो उठे, उनको कुछ समझ नहीं आया और वो वहां से भागना शुरू हो गए। और वो जैसे जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो उनको एक ठोकर लगी जिसके कारण वो गिर गए। उनके पैर में से ब्लड आने लग गया और वो भागते ही चले गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया। और जैसे उनके पैरों में से जब ब्लड आया, उनको वहां पे जब पेन हुआ, तो उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा। और जब उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा, तो उन्होंने देखा कि वो चीज वहां से उनका ठीक हो गया, वो दर्द उनका वहां से ठीक हो गया, और जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग वहां पे रुक गई। तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया उनके साथ। वो और नीचे आए, जब वो बिल्कुल नीचे धरती मतलब अर्थ के ऊपर आ गए, पहाड़ से बिल्कुल नीचे उतर गए जमीन पर, तो जमीन पर आने के बाद जब उन्होंने देखा वहां आसपास में बीमारी फैली हुई थी। तो वो जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति को देखते थे, उसके सर पे हाथ रखते थे, तो वो ठीक हो जाता। उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इसकी साधना करी जानने के लिए। उन्होंने जब वो साधना पे बैठे, तो जो भी हम सिंबल्स जो हम आज सीखते हैं रेकी के अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के अंदर, वो सारे सिंबल्स जो होते हैं, वो उनको उसी मेडिटेशन के माध्यम से, जब वो साधना में बैठे, तो उनको वो सारे सिंबल साधना से मिले। और जब उन्हें वो सिंबल्स मिले, तो फिर उन्होंने उन सिंबल्स के ऊपर और काम करा। फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स तैयार करे, फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस प्रोसेस को। जैसे जैसे उनको इंट्यूशन आती जाती थी, वैसे वैसे वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले। उसके बाद जब और मास्टर्स आते गए, तो उन्होंने और इसके अंदर इसको और इनहेंस करा, और इसके अंदर कुछ कुछ चीजों को बदला। और जैसे जैसे उन्होंने इस चीज को बदलते गए, तो ये और एक नए नए फॉर्म में आते गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जगहों से सीखते होंगे, हर जगह का अपना एक तरीका होता है सिखाने का। कोई किसी तरीके से सिखाता है, कोई किसी तरीके से सिखाता है, लेकिन घूम फिर कर चीज एक ही होती है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से उसको अपने जीवन में उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो रेकी बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर किसी तरह का कोई धर्म नहीं है। ये आप कोई भी धर्म का व्यक्ति इसको सीख सकता है, चाहे आप किसी भी धर्म के साथ में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की सफेद ऊर्जा, हम जिसको बोलते हैं व्हाइट एनर्जी, ये वो है। जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि व्हाइट लाइट को आप विजुलाइज करें, तो ये एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है। दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक ब्लैक मैजिक होता है, एक व्हाइट मैजिक होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लैक मैजिक वो होता है जो लोग नकारात्मक ऊर्जाएं भेजते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी चीज को लेकर कहीं पर भी। और व्हाइट मैजिक वो होता है जहां पर कोई आपको अच्छे से, आप कहीं बैठते हैं किसी संत महात्माओं के बीच में बैठते हैं, और वो जब आपको अपना प्रवचन करते हैं, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। आप उनकी तरफ पॉजिटिव रूप में अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में बदलाव आता है। तो उसी प्रकार से जो रेकी है, वो एक प्रकार से एक ऊर्जा है, एक हीलिंग मोडालिटी जिसको हम बोलते हैं, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि आपके जीवन को बदल देती है, आपके जीवन को खूबसूरत बना देती है। किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं कि आप इससे सिर्फ एक बीमारियों का ही इलाज करते हैं, इससे आप मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ पर ही काम किया जाता है। जब आपकी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, बीमारियां चल रही होती हैं, उस पर अपने आप ही काम होने लग जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग पॉजिटिव सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सकारात्मक शब्द अपने आप में हीलिंग मोडालिटी है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसको अच्छा बोलेंगे, तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, उसके मन में अच्छी भावना आएगी। अगर आप किसी को भी बार बार उसको गलत बोलते जाएंगे, उसको गालियां देते जाएंगे, उसके लिए बुरा बोलेंगे, तो ब्रह्मांड वही एनर्जी को उस पर भेजेगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मालूम ही है कि हाँ हम जो सोचते हैं, हम जो भेजते हैं, हम हाँ देते हैं। ये आप लोगों का ना वॉइस है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो लोग बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही हमारी बातें आसमान यानी कि ब्रह्मांड में जाती हैं, और ब्रह्मांड से वही हमारे पास आती हैं 10 गुना लौट कर।
इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के लिए भी कुछ आपको कहना है, सुनना है, सोचना है, तो अच्छे विचारों के साथ आप बोलिए, बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके शब्द ही वो चीजों को बनाते हैं। कहते हैं ना कि शब्द ही ऐसे होते हैं, अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आप गैरों को अपना बना सकते हैं, और अगर आपके शब्द अच्छे नहीं है तो आप अपनों को पराया बना सकते हैं। तो शब्दों पे बहुत ज्यादा हमको काम करना होता है, हमारे पॉजिटिव विचारों के ऊपर, पॉजिटिव सोच के ऊपर, ठीक है। तो जब हम ये सब चीजों को उसमें जोड़ते हैं, इन सब चीजों के साथ मिलके काम करते हैं, जो भी हमारे रेकी के जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, हम जब उनके ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बदलाव आता है। और सबसे पहले तो हमें हमारे ही जीवन में बदलाव लेकर आना है, और जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हम दूसरों के जीवन में भी बदलाव लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोगों की मिथ होता है कि क्या इसका कोई कार्मिक आपके ऊपर आता है या कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन सिंबल्स का भी यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बहुत ज्यादा ऐसे कर्मा बीच में आते हैं, बहुत ऐसे तरह के कर्मा आ जाते हैं जिसके कारण जो एक हीलर होता है उसको भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले तो जो हीलर होता है उसका काम क्या है कि उसको अपनी एनर्जीज को मजबूत रखना है, अपनी एनर्जीज को स्ट्रांग रखना है, अपनी खुद की हीलिंग्स करनी है, अपने खुद के शब्दों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, प्लस अपनी अपने खाने पीने की चीजों पे बहुत कंट्रोल करना है। क्योंकि खाने पीने की चीजें क्या होता है कि हर एक खाने का अपना एक ऑरा होता है। अब जो लोग बाहर बाहर का बहुत खाते हैं, आजकल अधिकतर लोग बाहर का खाना खाते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का अपना एक ऑरा होता है। अगर आप एक अच्छी जगह पे जाके बैठ के खाना खा रहे हैं, जैसे कोई मंदिर, सत्संग, या वहां पर वो एक प्रकार का प्रसाद होता है, लेकिन अगर वही चीज आप कहीं और जगह पे खा रहे हैं तो जो आसपास का जो नेगेटिव ऑरा, जो भी मतलब वहां पे कुछ भी नेगेटिविटी होगी तो वो उस खाने में आती है, और जब वो खाना आप खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में भी आ जाता है, उसकी वजह से आपका भी मन विचलित होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने खाने पीने के ऊपर। जैसे कि नॉर्मली लोग नॉनवेज भी खाते हैं, देखिए बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको नॉनवेज ही मिलता है, तो ठीक है आप खा सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप इसके बिना भी अपना जीवन जी सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को उन चीजों से दूर रखें, ठीक है ना। सात्विक भोजन करें, जितना आप अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करेंगे उतना ही आपका जो मन है, जो जो चंचलता होती है मन के अंदर, वो आपकी कंट्रोल होगी, और जब वो चीजें आपकी कंट्रोल होंगी तो आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा, और जब ऑरा आपका मजबूत होगा तो आपको जब भी आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो कार्मिक इश्यूज आपके ऊपर लौट के नहीं आए। उसके अलावा भी कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसी जड़ होती हैं चीजें जहां पर हम लोग बहुत हीलिंग भी करते हैं लेकिन कभी कभी उसमें भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, या फिर जो व्यक्ति हीलिंग कर रहा होता है उसके साथ में कुछ कुछ नेगेटिव होना शुरू, तो उसके लिए हम ऐसा सिखाएंगे आपको, जब हम लेवल 4 5 में जाते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि आपके ऊपर उनका कार्मिक ना आए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जैसे जैसे सीखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने आप से वो सब चीजें सीख सकते हैं।